नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। अब तक की चर्चा में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात की। आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। योर टॉपिक कंप्यूटर, उसके कंपोनेंट्स और अन्य मूल अवधारणाओं पर एक ब्रीफ डिस्कशन प्रस्तुत करता है, जो आपको कंप्यूटर का उपयोग करने से पहले आपको परिचित कराने की आवश्यकता है। इस टॉपिक को देखने और सुनने के बाद आप कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच भेद कर पाएंगे तथा कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के कार्यों तथा उपयोग को समझ पाएंगे। हार्डवेयर और एक्सटर्नल डिवाइसेस को इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चर्चा की शुरुआत हम इनपुट डिवाइसेस के वर्णन से करेंगे। आप किसी कंप्यूटर को सूचना देने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई लेटर टाइप करने के लिए या कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने के लिए निर्देश देने हेतु। आइए अब हम इनपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। माउस, यह एक ऐसा उपकरण है जिसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। GUI के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। एक माउस में दो या तीन बटन हो सकते हैं, जिन्हें दायां बायां तथा मध्य बटन कहा जाता है। माउस के नीचे एक रबर बॉल लगा होता है। जब किसी समतल जगह या माउस पैड पर माउस को घुमाया जाता है या हिलाया जाता है तो रबर का यह बॉल घूमता है तथा उसकी गति और दिशा मॉनिटर पर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ट्रैक बॉल, यह पारंपरिक माउस का एक विकल्प है और यह ग्राफिक डिजाइनरों द्वारा पसंद एवं इस्तेमाल किया जाता है। यह यूजर को स्क्रीन पर आइटम्स के मूवमेंट पर बहुत बेहतर नियंत्रण देता है। स्टिक, टचपैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन आदि कुछ अन्य स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसकी कीज टाइपराइटर की कीज के समान होती हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए किया जाता है। स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो एक फोटोकॉपी मशीन के समान है। आप एक कंप्यूटर में एक तस्वीर या दस्तावेज की सटीक प्रति हस्तांतरण करने के लिए इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। एक स्कैनर पेज को पढ़ता है और एक डिजिटल फॉर्मेट में अनुवाद करता है जिसे कंप्यूटर पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए आप एक स्कैनर का उपयोग करके अपने परिवार की तस्वीर को स्कैन कर सकते हैं। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर का इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न वस्तुओं में अंकित बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड मोटी और पतली रेखाओं के स्तंभों से बने होते हैं, जिनके नीचे संख्याओं की एक स्ट्रिंग मुद्रित होती है। बारकोड रीडर के माध्यम से हमें वस्तुओं पर अंकित बारकोड को पढ़कर उस वस्तु के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। मल्टीमीडिया डिवाइसेस, चित्रों एवं टेक्स्ट का ध्वनि एवं ग्राफिक्स के साथ संयोजन को मल्टीमीडिया कहा जाता है। ध्वनि और छवि डेटा को कैप्चर करने के लिए विशेष इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। मल्टीमीडिया डिवाइसेस के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। माइक्रोफोन, वॉइस इनपुट को एक माइक्रोफोन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक उपकरण जिसे आप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों से बात करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोफोन का उपयोग करके आप कंप्यूटर में ध्वनि रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपने भाषण को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसका इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर कंप्यूटर द्वारा उसे टेक्स्ट में भी बदल सकते हैं। वेबकैम, वेबकैम एक ऐसा डिवाइस है जो एक वीडियो कैमरे के समान है। यह आपको अन्य यूजर्स के लाइव चित्रों को कैप्चर करने और भेजने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए एक वेबकैम आपके मित्रों और परिवार को
आपसे संपर्क करते समय उन्हें देखने की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा आपके फ़ोटो को डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने एवं कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने के काम आता है। इसका उपयोग अक्सर पहचान पत्रों पर तस्वीर को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जिससे कंप्यूटर ऑपरेशन के परिणामों को देखा जा सकता है, सुना या मुद्रित किया जा सकता है। किसी कार्य को करने के बाद कंप्यूटर से फीडबैक प्राप्त करने के लिए आप आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। आइए अब हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करते हैं। मॉनिटर, यह डिवाइस एक टेलीविज़न के समान है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर सूचना जैसे टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर, एक ऐसा उपकरण जिसे आप किसी कंप्यूटर से टेक्स्ट और इमेजेस को एक पेपर या किसी अन्य माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग करते हैं। आप अपने मॉनिटर पर जो कुछ भी देखते हैं उसकी पेपर कॉपी बनाने के लिए आप एक प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। प्रिंटर के भी कई प्रकार हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। वे डॉट्स के पैटर्न में अक्षर बनाते हैं, इसलिए इसके आउटपुट को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। अन्य प्रिंटर्स की तुलना में इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर आवश्यक इमेज या टेक्स्ट के आकार में स्याही के जेट को स्प्रे करके टेक्स्ट और इमेज का निर्माण करते हैं। वे उच्च गुणवत्ता तथा कम लागत वाले रंगीन प्रिंट करने में सक्षम हैं। लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर में एक लेज़र बीम को इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज सरफेस की सतह पर निर्देशित किया जाता है जिससे मुद्रित किए जाने वाले पेज का टेम्पलेट तैयार किया जा सके। प्लॉटर, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर के समान है, लेकिन आमतौर पर इसको बड़ी इमेजेस को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े कागज़ पर प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे मैप को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया आउटपुट डिवाइसेस, सबसे कॉमन मल्टीमीडिया आउटपुट साउंड है जिसमें संगीत भी शामिल है। कंप्यूटर के ऑडियो आउटपुट डिवाइस को स्पीकर कहते हैं। हेडफोन का भी इस्तेमाल ऑडियो आउटपुट को सुनने के लिए किया जा सकता है। अभी तक के लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा की तथा उनके उपयोग को जाना। अगले लेक्चर में हम कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोरेज डिवाइसेस की चर्चा करेंगे। नमस्कार।